Students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is birth. As you know, this chapter is an extract from A.J. Cronin's novel The Citadel, 1937, in which he describes how a young doctor receives a child that is thrown away as a stillborn. और वो बच्चा किसका था? जो मॉर्गन और सुशान मॉर्गन का था, जो कि आफ्टर 20 इयर्स के बाद जो है उनके घर में जो है एक जो है चाइल्ड ने जन्म लिया था, बॉर्न हुआ था, और उसको जो है स्टिल बॉर्न मतलब मृत जात समझ के जो है मिडवाइफ ने क्या कहा था, बेड के नीचे डाल दिया था. और किस तरह से डॉक्टर ने जो है, क्योंकि वो समय से पहले हो रहा था तो सबको जो है काफी टेंशन थी. एक तो टेंशन थी कि आफ्टर 20 इयर्स के बाद जो है उनके घर में एक जो है बच्चा आने वाला है, और सेकंड टेंशन थी कि समय से पूर्व हो रहा था, पहले हो रहा था, बिफोर द टाइम. तो जो मॉर्गन जो है इसी टेंशन से जो है डॉक्टर के घर में जाते हैं, परंतु उस समय जो डॉक्टर हैं वो घर में नहीं थे. और फिर जो है जब वो घर आए शाम को, काफी डिसअपॉइंटेड थे, और अपनी जो है बिलव्ड उनकी जो जिनसे जो लव करते थे क्रिस्टाइना से, तो उसके जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको लेके वो जब अपने कहाँ पे जाते हैं, अपने घर में जाते हैं. जो मॉर्गन जो कि कहाँ पे था, 12 बलेना टेरेस पे. और वहां जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर को जो मॉर्गन कहते हैं मैं बाहर रहूंगा क्योंकि काफी टेंस से. और डॉक्टर जब अंदर जाते हैं तो पेशेंट के साथ कौन कौन होता है, उनकी मदर, वाइफ की जो मदर रहती हैं, जो कि कितने साल की हैं, 70 इयर्स की हैं, और एक जो है ओल्ड मिड वाइफ है वहां पे, दाई है पेशेंट के साथ थी. और जब वो उनको देखते हैं और किस तरह से जो है बच्चा 3 बजे के करीब जो है बॉर्न होता है, और जब उस बच्चे को सब लोग देखते हैं कि ये कैसा है, लाइफलेस है, तो थोड़ा सा जो माहौल होता है घर का जो होता है काफी सैड हो जाता है. परंतु डॉक्टर जो है काफी हिम्मत नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनका जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि वो अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई करके आए थे. तो उन्होंने पहले मदर का ट्रीटमेंट करा, जब उनकी पल्स रेट थोड़ी ठीक हो गई तो फिर उन्होंने किसका करा इलाज, बच्चे की तरफ ध्यान दिया. और किस तरह से उन्होंने एक जो स्टिल बॉर्न बच्चे को जो है लास्ट एफर्ट देके कि उसको टॉवल से रगड़ के, और किस तरह से जो है एफर्ट्स डाले उन्होंने अपने, और लास्ट में बच्चे जो है ब्रीथ करने लगा और रोने लगा. तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो मॉर्गन थे और सुसान मॉर्गन थे, शादी को कितना टाइम हो गया था, 20 इयर्स हो गए थे. और मिसेस मॉर्गन, नाउ मिसेस मॉर्गन इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड. बोथ हर हस्बैंड एंड हर मदर आर फीलिंग वेरी नर्वस, क्योंकि वो जो है काफी नर्वस हो रही थी. नर्वस बिकॉज द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी बिफोर टाइम. ए यंग डॉक्टर नेम्ड एंड्रयू इज कॉल्ड इन. द डॉक्टर हैज टू पुट इन हार्ड लेबर इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. When the child is born, it seems to be still born. This shock could be too much for the Morgans to bear. क्योंकि ये जो still born जो baby था, ये बहुत shocking news थी Morgans to bear. While the doctor is attending to the another, the nurse places the baby under the bed among dirty newspaper. After assuring himself that the mother is safe, the doctor looks for the baby. Finding it under the bed, he at once pulls it out. It was a boy, perfectly formed. क्योंकि बच्चा जो है पूरा था. The body was warm, और body जो है गर्म थी, क्योंकि जब बच्चा लाइव होता है तो क्या होता है, body जो है warm होती है. But was not breathing, खाली उसकी breath नहीं थी, but body जो थी कैसी थी, उसकी warm थी, गर्म थी. The body was warm but was not breathing. At once the doctor sets to revive the child's breath. After half an hour's terrible effort, he is at last successful. और लास्ट में जब वो कैसे हो गया था सक्सेसफुल, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा था कि किस तरह से जो है डॉक्टर ने जो है अपने एफर्ट्स, उसमें लास्ट एफर्ट डाला था, और किस तरह से जो है वो क्या हुए थे, ही इज एट लास्ट सक्सेसफुल. और बच्चा जो क्या करने लगा था, केम द चाइल्ड्स क्राई, और आवाज आने लगी थी बच्चे के रोने की.
डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली। और जो नर्स थी, जो कि अभी तक क्या थी, होपलेस थी, कि उसने पूरा क्या करा था कि सोचा हुआ था कि इसका अब जो है बच्चा जो है स्टिल बॉर्न है, और उसने अंडर बेड में उसको डाल दिया था। तो सॉब्ड हिस्टेरिकली, और जैसे जो है कैसे करने लगी थी वो, सिसकियां, जो सॉब्ड मनी सिसकियां भरने लगी थी, डियर फादर इन हेवन, कि अगर कोई स्वर्ग में, अगर डियर फादर इन हेवन स्वर्ग में, क्योंकि डॉक्टर जो है इस समय क्या थे, वो भगवान का रूप थे। नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव, कि अब आ गया है बच्चा जो है वो क्या हो गया है, जिंदा हो गया है। और जो है हिस्टेरिकली मैंने पागलों की तरह जो है सिसकियां भरने लगी और बोलने लगी कि स्वर्ग में अगर कोई है तो वो कौन है, डॉक्टर है, इट्स कम अलाइव, कि वो जिंदा हो गया, क्योंकि किसी ने, सबने जो है आशा जो है छोड़ दी थी कि बच्चा जो है एज स्टिल बॉर्न मान के जो है, क्योंकि खुद सिस्टर ने, जो नर्स ने था, उसने अंडर बेड में डाल दिया था और कहा था इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो जब उसने बच्चे को लाइव देखा तो वो जो है पागलों की तरह जो है सिसकियां सॉफ्ट करने लगी, एंड हैंडेड हर द चाइल्ड। अब एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू ने जो है वो बच्चे को जो है किसको दे दिया, नर्स को दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज, और क्योंकि पूरी रात भर जो है काफी क्या करा था उन्होंने, काफी एफर्ट्स करे थे, क्योंकि पहले मदर का ट्रीटमेंट करा था और उसके बाद जो है बच्चे का ट्रीटमेंट करा था, तो काफी वीक जो और जो है डेज जो है फील कर रहे थे वो। कौन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डॉक्टर की। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन टू द लिनोलियम, द इवर नॉक्ड ओवर, द केटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर। सारी चीजें जो है कमरे में क्या हो रही थी, बिखरी हुई थी। जितना भी उन्होंने ट्रीटमेंट में सामान लिया था, सारा कमरों के अंदर क्या हुआ था, फैला हुआ था, क्योंकि पहले किसका इलाज करा था उन्होंने, मदर का करा था और फिर बच्चे का करा था, और कैसे उन्होंने बेसिन मंगाई थी, मदर के लिए सिरिंज मंगाई थी, सारा सामान जो है कमरे में पड़ा हुआ था। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वेरी वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मैंने बेहोशी का जो इंजेक्शन उनको दे रखा था मदर को, वो भी अपने बेड में जो है सपने देख रही थी चुपचाप, क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, क्योंकि बेहोश हालत में क्या होता है, किसी को सेंस नहीं रहता है। द ओल्ड वुमेन स्टिल, और जो ओल्ड मैन थी, ओल्ड वुमेन थी, वो क्या थी, स्टिल, द ओल्ड मैन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल। और जो उनकी मदर थी जो 70 इयर्स की थी, वो अभी भी जो है दीवार के सहारे जो है खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टूगेदर, और उनके हाथ जो है जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, प्रेयर कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि सपने जो है एक तरह से जो क्या था, होपलेस हो गए थे। तो वो स्टिल अभी भी जो है, क्योंकि डॉक्टर अपने एफर्ट्स कर रहे थे, तो वो जो है अभी भी दीवार के सहारे खड़ी थी, और कोई आवाज नहीं आ रही थी, और खाली क्या कर रही थी वो, लिप्स उनके मूव कर रहे थे विदाउट साउंड, और शी वॉज प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी। वो क्यों कर रही थी, क्योंकि अभी बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको एक होप थी, रे ऑफ होप थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और उन्होंने जो है अपनी जो है जैकेट निकाली। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और उन्होंने नर्स से क्या बोला कि मैं जो हूँ अपना बैग जो हूँ कहाँ ले जाऊं, कब ले जाऊंगा, बाद में ले जाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है एक मिरेकल सा हुआ था वहां पे, एंड यू हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स, ही वॉज फीलिंग वीक एंड डेज। अबाउट हिम द रूम वॉज इन ए लिटर ऑफ ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, पूरा कमरा जो है उससे भरा हुआ था, जितना ट्रीटमेंट में सामान लिया था। अपॉन द बेड द मदर स्टिल ड्रीम थ्रू द एनेस्थेटिक, जैसे अभी मैंने बताया था कि बेहोशी की हालत में जो है वो ड्रीम देख रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड, और जो ओल्ड वुमेन थी वो अभी भी जो है दीवार के सहारे खड़ी थी, अगेंस्ट द वॉल, बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, क्या कर रही थी वो, प्रेइंग कर रही थी।
एंड्रयू पुल्ड ऑन हिज जैकेट एंड सेड आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स. और उन्होंने क्या कहा कि मैं अपना फेच मैंने ले जाऊं, कि आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स. और उन्होंने नर्स को जो है बच्चा जो है हैंड ओवर करा और अपनी जैकेट ली, और नर्स को बोला कि मैं जो है अपना बैग क्या करूंगा बाद में ले जाऊंगा. ही वेंट डाउन स्टेयर्स. अब वो जो है नीचे जो है डाउन स्टेयर्स में गए, थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी. स्कलरी बोलते हैं जहाँ पे जो है बर्तनों को जो है वॉश करते हैं, तो उस प्लेस को जो है क्या बोलते हैं, स्कलरी, ए रूम फॉर वॉशिंग डिशेस एंड फॉर सिमिलर वर्क. बर्तन धोने का स्थान उसको बोलते हैं स्कलरी. तो डॉक्टर जो है वो डाउन स्टेयर्स में गए किचन में. हिज लिप्स वर ड्राई, क्योंकि वो उन्हें भी जो था बच्चे को भी बचाना था और चाइल्ड को भी बचाना था, पूरे एफर्ट्स करे थे उन्होंने रात भर, तो उनके जो है लिप्स वर ड्राई. एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. और वहां पे जाके उन्होंने जो करा था, क्या करा था, ही ड्रैंक वाटर, पानी पिया था उन्होंने, लिप्स जो थे उनके ड्राई हो गए थे. ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट. और उन्होंने क्या करा था, अपना जो हैट और कोट था वहां पे गए. कौन गया वहां पे, डॉक्टर. सबसे पहले वो कहाँ गए, डाउन स्टेयर्स में गए, किचन में गए जहाँ पे बर्तन धोते हैं उस स्थान पे गए, और वहां पे उन्होंने क्या करा, पानी पिया. और उसके बाद वो कहाँ गए, अपने हैट और कोट जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था. ही रीच दैट प्लेस एंड यू पुल्ड ऑन हिज जैकेट एंड सेड आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स. ही वेंट डाउन स्टेयर्स एंड टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. ही टुक हिज हैट एंड कोट एंड लेफ्ट द हाउस. और जो है घर से चले गए, वहां से उन्होंने अपना कोट लिया, हैट लिया और बाहर चले गए. आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस. और वहां पे जो जो थे काफी टेंशन में थे, जैसे पहले भी बताया था, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद जो है उनका बेबी होने वाला था. तो आउटसाइड ही फाउंड मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर फाउंड जो इज स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस. और उनको जो है जो पेमेंट किसको बोलते हैं, जो पटरी, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और काफी ज्यादा जो है टेंस से. ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट. अब जो ने जब देखा कि वो जो है काफी टेंस है बट एक्सपेक्टेंट जो है फेस था उनका, तो जो ने जो है बोला कि दोनों जो है ऑल राइट, जो सब ठीक है, बोथ ऑल राइट, दोनों जो है ठीक है. इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. इट वॉज क्वाइट लाइट माने अब थोड़ी सी रोशनी आ गई थी, क्योंकि 3 बजे थे, 3 बजे बच्चे ने बच्चा बॉर्न हुआ था, और अब कितना बज गया था टाइम, थोड़ा सा लाइट आ गई थी. नियरली 5 o'clock, 5 बज गए थे. अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट. अब कुछ लोग जो है, जैसे पहले भी बताया था मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, जो विलेज था वो कैसा था, माइन माइन वाल, वहां पे ज्यादातर लोग जो है माइंस में काम करते थे. तो कुछ लोग जो है स्ट्रीट में जो है, रोशनी आ गई थी क्योंकि 5 बज गए थे, लोग काम में निकल गए थे, तो कुछ लोग जो थे माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट. द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जो है नाइट की जो है खत्म हो गई थी. एज एंड्रियो वर्क विद देम, और जैसे कि एंड्रियो जो है उनके साथ जो है चल रहे थे. स्पेंट एंड स्लो, धीरे धीरे. हिज फुट वॉज इकोइंग, और जो उनकी पैरों की आवाज जो है टकरा के जो है विद अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, सुबह का टाइम था. ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और जो है वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे. ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस माने अनजान, टू ऑल अदर वर्क. ऑब्लिवियस मीन्स अनजान, टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लैंडली. जो भी काम उन्होंने ब्लैंडली में करा था, आई हैव डन समथिंग. अब उन्हें लग रहा था कि मैंने कुछ करा. ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि मैंने अब कुछ अच्छा काम किया है, सचमुच में जो है अच्छा काम किया है. रियल एट लास्ट, लास्ट मतलब वो कह रहे कि जितना भी मैंने काम करा था, परंतु आज जो है आई हैव डन समथिंग, आज मैंने कुछ करा है. ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि मैंने कुछ आज अच्छा काम किया है. किसने बोला ये, डॉक्टर एंड्रियो ने बोला. जब वो किसके साथ जा रहे थे, माइनर वर्क जो है, शाम की रात की नाइट शिफ्ट जो है खत्म हो गई थी, और जब वो जो है पैदल चल रहे थे, उन्हीं के साथ जो है एंड्रियो भी चल रहे थे. तो
तो तब उन्होंने बोला, इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, 5 बजे का टाइम था. ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स. एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम, ही केप्ट थिंकिंग अनकॉन्शियसली, आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. तो उन्होंने कहा कि मैंने आज कुछ किया है, हे ईश्वर, मैंने आखिर कुछ असल काम किया है. क्योंकि जो है बच्चा जो है, क्योंकि सबने जो है, जितने लोग वहां पे थे, इवन मिडवाइफ, सबने जो है आशा जो है छोड़ दी थी कि बच्चा जो है स्टिल बॉर्न है, इसका कोई इलाज नहीं है. परंतु डॉक्टर के एफर्ट से जो है बच्चा जो है जीवित हो गया था, और सबके जो चेहरे में जो थी एक खुशी सी आ गई थी. तो लास्ट में जो है डॉक्टर कहते हैं, टुडे आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. तो क्योंकि उनकी मेहनत भी जो है सफल हो गई थी, तो इसीलिए जो है हमें भी जो है क्या करना चाहिए कि ये नहीं, एक बार काम करके छोड़ देना नहीं चाहिए. हमें भी एफर्ट्स करने चाहिए, मेहनत करने चाहिए. जैसे आप लोगों के भी कभी कम नंबर आते हैं यूनिट टेस्ट में, तो ये मत सोचो कि मेरे नेक्स्ट में भी कम नंबर आएंगे. और मेहनत करो तो और अच्छे नंबर आएंगे, फिर उससे भी ज्यादा मेहनत करो तो बोर्ड में अपने आप ऑटोमेटिकली यू गॉट गुड मार्क्स. तो मेहनत जो है कभी भी खराब नहीं जाती, तो हमेशा जो है मेहनत, जैसे डॉक्टर ने जो है मेहनत करी थी, तो लास्टली जो है रिजल्ट जो क्या था, पॉजिटिव आया, अच्छा रिजल्ट आया. तो सिमिलरली हमें भी जो है मेहनत करनी चाहिए और आगे सक्सेस हो जाएंगे. तो आज जो है ये बर्थ चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. तो अब जो अभी हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कराए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं. आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर कि किस तरह से एक यंग डॉक्टर जो है एंड्रियो ने जो है नई नई मेडिकल की पढ़ाई करके निकले थे, और किस तरह से उन्होंने जो है अपने एफर्ट से जो है एक स्टिल बॉर्न बच्चे को जो है जीवित करा था. तो पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा. तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो बचे हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द चाइल्ड लुक व्हेन इट वॉज बॉर्न, कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो कैसा दिखाई देता था. तो फर्स्ट वन इज, हाउ डिड द चाइल्ड, हाउ डिड द चाइल्ड लुक व्हेन इट वॉज बॉर्न. व्हेन इट वॉज बॉर्न तो बच्चा कैसा दिखाई देता था जब उसका जन्म हुआ था. तो द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म, क्योंकि बच्चा जो था पूरा बना हुआ था, परफेक्टली फॉर्म. इट वॉज अ बॉय, द बॉडी वॉज लिम एंड वाइट, इट वॉज सॉफ्ट एज टेलो, द स्किन वॉज स्मूथ एंड टेंडर, द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, लटक रहा था क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा था स्पाइनलेसली है. द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और जो उसके लिम्स थे बिना हड्डी के, जो अंग थे पार्ट्स थे बॉडी के, ऐसा लग रहा था कि कैसे हैं वो बोनलेस है. तो बच्चा जो है पूरी तरह से क्या था, परफेक्टली फॉर्म था और लड़का था. और उसकी जो है शरीर कैसा था, लचीला सा था और सफेद था, वाइट था, और चर्बी की भांति सॉफ्ट था. चमड़ी जो है उसकी, जो स्किन थी वो कैसी थी, सॉफ्ट थी. और सिर जो है पतली सी, गर्दन में कैसा था, लॉल कर रहा था, लुढ़का लुढ़का हुआ था. तो ये आपको आंसर लिखना है इसका. एक बारी और मैं रिपीट कर रही हूँ, द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड, इट वॉज ए बॉय, द बॉडी वॉज लिम्प एंड वाइट, इट वॉज ए सॉफ्ट एस टैलो, चर्बी की तरह कैसा था, सॉफ्ट था. द स्किन वॉज, सॉरी, द स्किन वॉज स्मूथ, द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, द लिम्स सीम बोनलेस. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, वॉट लास्ट एफर्ट, लास्ट एफर्ट क्या दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वॉट लास्ट एफर्ट डिड एंड्रयू मेक टू रिवाइव द चाइल्ड, बच्चे को जो है पुनर्जीवित करने के लिए क्या लास्ट एफर्ट किए थे डॉक्टर ने. तो सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट लास्ट एफर्ट
डिड एंड्रयू डिड एंड्रयू मेक टू रिवाइव मेक टू रिवाइव द चाइल्ड कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या उसमें पूछा गया है। कई बार बच्चे देखते नहीं है और आंसर शुरू कर देते हैं लिखना। तो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट लास्ट एफर्ट डिड एंड्रयू कि लास्ट एफर्ट जो है बच्चे को पुनर्जीवित टू रिवाइव द चाइल्ड उन्होंने क्या किया था। तो एंड्रयू रब द चाइल्ड जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बताया था रब्ड द चाइल्ड विद ए रफ टावल ही क्रश्ड एंड रिलीज द लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड्स एज बाय ए मिरेकल चमत्कार क्या हुआ था। द चेस्ट गेव ए शॉर्ट हीव देन देयर वॉज एनदर एंड एनदर दस एट लास्ट एंड्रयू वॉज एबल टू रिवाइव द चाइल्ड और लास्ट में जो है उनका एफर्ट जो है काम आ गया था कि किस तरह से उन्होंने उनकी उसकी चेस्ट को रगड़ा था एक रफ चावल से और लास्ट में जो है बच्चा क्या होता क्या हुआ था रिवाइव हो गया था जिंदा हो गया था पुनर्जीवित हो गया था। नाउ कम टू द सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वॉज एंड्रयू थिंकिंग एज ही वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम मॉर्गन्स हाउस। What was Andrew thinking as he was walking? Back home from Morgan's house. So Andrew was feeling very satisfied. केस में ये है कि एंड्रयू जो है पैदल चल रहे थे मॉर्गन हाउस से जब घर जा रहे थे तो क्या सोच रहे थे। तो एंड्रयू वाज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स टू रिवाइव द चाइल्ड कि किस तरह से उन्होंने जो है स्टिल बॉर्न बेबी को रिवाइव किया था हैड एट लास्ट बीन सक्सेसफुल एज ही वॉज वॉकिंग बैक होम ही केप्ट थिंकिंग आई हैव डन समथिंग ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। तो ये तीन क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क हैं। आज जो है हमने बर्थ चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं और ये तीन क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर कि किस तरह से जो है डॉक्टर एंड्रयू के एफर्ट से जो है 20 साल बाद जो मॉर्गन एंड सुसान मॉर्गन जो है कपल के घर में जो है खुशियां आई थी और किस तरह से एंड्रयू डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने जो है किस तरह से अपने एफर्ट से जो है स्टिल बॉर्न बेबी को रिवाइव किया था। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनको आप करना क्योंकि जो है लिखने की आदत जो है बच्चों की छूट जाती है इसीलिए क्वेश्चन देते हैं रिलेटेड कि आप लोग जो है घर में करें। तो सारे बच्चे जो है जितने क्वेश्चन दिए हैं वो एक कॉपी में लिखते रहें और याद करते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।